हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश उकुंडे, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। टुडे वी हैव स्टार्टेड यूनिट नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। टुडेज लेक्चर नंबर इज 5 एंड टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट PMMI इंस्ट्रूमेंट। द कोर्स आउटकम ऑफ दिस आर स्टूडेंट विल एबल टू मेंटेन द परफॉर्मेंस ऑफ PMMI इंस्ट्रूमेंट। After completing this session, the learning outcomes are: student will able to identify the given type of meter. Similarly, he will able to explain with sketches the working of given types of meter. In the previous lecture, we have discussed about the PMMC instrument, working principle of PMMC instrument, its construction, advantages and disadvantages of PMMC instrument. Today, we are going to discuss about PMMI instrument. PMMI का full form होता है permanent magnet moving iron instrument. There are two types of PMMI instrument. First is attraction type MI instrument and second is repulsion type MI instrument. सबसे पहले हम attraction type MI instrument देखेंगे। जैसे हमने PMMC इंस्ट्रूमेंट देखे थे जिसमें परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट थे वो, अब यहाँ परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं। वहाँ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल था, यहाँ आयरन है। सिमिलरली दोनों में सेम प्रिंसिपल यूज़ होता है, सिर्फ छोटा सा फ़र्क ये है कि यहाँ अपन आयरन यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ दैट कॉइल। तो यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रही है, डायग्राम में आपको दो वाइंडिंग्स दिख रहे हैं, दो कॉइल्स दिख रही है, दो कॉइल्स के बीच में एक मूविंग आयरन आपको दिख रहा है और मूविंग आयरन को एक पॉइंटर अटैच किया गया है। नाउ यहाँ अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन सिस्टम इसीलिए बोला गया है क्योंकि हम सभी ने पहले पढ़ा है कि जब भी दो मैग्नेट्स, दो अनलाइक पोल्स अगर पास में आते हैं तो वहाँ आपका आयरन पीस अट्रैक्ट होता है और दो लाइक पोल्स अगर आते हैं तो वहाँ रिपेल होता है। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी हम यूज़ कर रहे हैं। अट्रैक्शन टाइप PMMI इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल है: अ पीस ऑफ आयरन इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट और अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज कपल्ड विथ अ पॉइंटर मैकेनिज्म शोज द रीडिंग ऑन द स्केल। इसका मतलब यहाँ जो एक आयरन का पीस है वो आयरन का पीस मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो जनरेट हुआ है उसके वजह से आपका पॉइंटर यहाँ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। नाउ सिमिलरली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो सिमिलरली यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उसके बीच में हमने एक आयरन पीस रखा है तो यहाँ जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो फोर्स जो रहेगा दैट इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। दैट मीन्स यहाँ जो पीस ऑफ आयरन है वो पीस ऑफ आयरन रिपेल्ड हो रहा है मैग्नेट के कारण एंड दैट्स वाई द पॉइंटर इज कमिंग इन टू डिस्प्लेसमेंट और पॉइंटर आपको यहाँ रीडिंग दिखाएगा। सो दिस आर ऑल अबाउट अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन सिस्टम एंड रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन सिस्टम। कंपेरिजन बिटवीन PMMC एंड MI टाइप इंस्ट्रूमेंट। अभी हमने PMMC और MI दोनों प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे तो हम उनकी कंपैरिजन देखते हैं। तो प्रिंसिपल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो PMMC इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल है: व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ मैकेनिकल फोर्स। यानी जब भी आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और MI इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल ये है कि एक पीस ऑफ आयरन जो है एक तो वो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल्शन फोर्स एक्ट होगा वो मैग्नेट के कारण और वहाँ आपको पॉइंटर मूवमेंट दिखाएगा। सिमिलरली जो स्केल है PMMC इंस्ट्रूमेंट का वो यूनिफॉर्म है और MI इंस्ट्रूमेंट का स्केल नॉन यूनिफॉर्म है। सिमिलरली वेट के अगर बारे में बात करूँ तो PMMC का जो वेट है दैट इज़ लोअर वेट फॉर द सेम टॉर्क और MI का जो वेट है दैट इज़ कंपेरेटिवली हायर वेट। एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, PMMC इंस्ट्रूमेंट ये सिर्फ DC मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं और MI DC एज वेल एज AC मेजरमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। और कॉस्ट के बारे में देखा जाए तो PMMC इनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और MI का कॉस्ट काफ़ी कम है। सो डियर स्टूडेंट्स,
We will summarize the today's lecture. Today we have seen about the PMMI instrument, that is permanent magnet moving iron instrument, जिसमें हमने दो प्रकार के permanent magnet moving iron instrument देखा, एक है attraction type और एक है repulsion type. इसके working principles हमने देखे. जो PMMI instruments होते हैं उसमें एक force generate होता है, magnetic force, either that should be attraction or that should be repulsion. और वो जो फोर्स होता है उसके कारण पॉइंटर जो है वो आपको डिफ्लेक्शन दिखाता है, और अगर अट्रैक्शन फोर्स वहाँ जनरेट होता है तो दैट इज़ अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन सिस्टम, और अगर रिपल्शन फोर्स जनरेट होता है तो दैट इज़ रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन जनरेटिंग सिस्टम. उसके बाद हमने कंपेरिजन देखे बिटवीन PMMC एंड PMMI इंस्ट्रूमेंट्स. सो फ्रॉम द टूडे सेशन वी हैव मैप PO नंबर 1, 2, 3, 4 एंड PO नंबर 10. In the next lecture, we are going to learn about the extension of range of meters. Up till now, keep learning. Thank you.